के सूरज से आशाओं का सवेरा लाई है। वो क्यों ना हो सफल खुद जिसके संग शारदा माई किसान है। अपनी समृद्धि के लिए अब हमें कानूनी सहायता लेनी होगी। हमें अपनी जमीनों को उस लालची साहूकार से वापस लेना होगा। और बाबू, वो सभी कागजात जो आपने संभाल कर रखे हैं आप मुझे दिखाइए, उसके बाद मैं देख लूं मुझे क्या करना। एक बात साफ साफ कहूं, मैं ऐसा कछु भी बर्दाश्त नहीं करूंगा जिसका असर मेरे धंधे पर पड़े। अरे ओ मैं सिंह के चमचे चांदी लाल, कान खोल के सुन ले तू। हमने जो अपने बर्तन जेवर तेरे पास गिरवी रखे ना, उसके वो कागजात हमें चाहिए। अरे मेरी माँ बहनों, मैंने तो सब जगह ढूंढे हैं, इधर भी ढूंढे हैं, उधर भी ढूंढे हैं, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गयो, मुझे नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिल रहे वही खाते। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तू ढूंढ तो सही। जे ना मिले तो समझ ले तो तेरी दुकान पे जल्दी ही आएगा दरोगा, वही खाता ढूंढने। आई बात समझ में चांदीलाल? दरोगा आएगा, दरोगा, दरोगा। चलो, कागजात नहीं मिलते। दरोगा, अरे पंडित, लगता है उमेश सिंह के साथ तुम्हारे और हमारे बुरे दिन आने वाले हैं पंडित। क्या बात करी अंगी, सच में लीला काकी और सुमित्रा काकी ने भरे बाजार में चांदीलाल का विरोध किया। देख लो अम्मा, इन दोनों में कितनी हिम्मत है और एक तुम हो जो इतना घबराती हो। चुप करना उर्मी, क्यों बिना बात बुआ को परेशान कर रहे हैं? तुझे तो पता है ना कि वो मन ही मन किसी बात से कितना होते हैं। बात इसीलिए तू समझे हेमली, तो तेरी जी जो उर्मी है ना उसके समझ में ना पड़े है। मैं जे ना कहूंगी कि सुमित्रा और लीला ने जो जो किया है वो गलत है। पर छोरी, ये बात तो सच है कि मेरे मन में डर बैठा है कि अपने लिए ना है, जे उर्मी के लिए, इसके लिए क्योंकि कोई भी मां ना चाहे इसके औलाद के संग कुछ ऊंच नीच हो। अरे अम्मा कुछ ना होगा, देख लेना। अरे मैं तो बड़ी खुश हूं कि भरे बाजार में सुमित्रा काकी और लीला काकी ने विरोध तो किया। सही में उर्मी, वो भी उस ससुरे चांदीलाल का, जो कि वो उमेश सिंह के इशारे पे बेचारे गांव वालों के जेवर हड़प लिया करे। अरे इमली, ये तो पंडित बैठे है ना भरे बाजार में, पंडित चतुरलाल, इसकी उमेश सिंह की और चांदीलाल की तीनों की टिकड़ी है, जो गांव वालों को निर्धन बनाने में ना एक दूसरे की मदद करे हैं। चुप कर,
चुप कर छोरी। इतनी बार कहा है कि चुबान न लगा और सुन, जे अगर तू कुछ बोली ना तो तुझे ससुराल छोड़ाऊंगी। आई बात समझ में? सही किया, एकदम सही किया लीला तेने। जो इस चांदी लाल को दरोगा की धमकी थी, दरोगा की, देखा तेने कैसा चेहरा हो गया तब इसका, एकदम भीगी बिल्ली सा। ऐसे अरे सुमित्रा, बड़ी मोटी चमड़ी है इन लोगों की, इन्हें कच्चों फर्क ना पड़े है। और शिक्षा भी सही कह रही है कि गलती भी हमारी है जो हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भागे हैं इन साहूकारों के पास। अरे बारे बात शिक्षा की हिमायती, बड़ी आई सबकी गलती निकालने वाली। और ये जो तुम लोगों पे काला जादू चला है ना शिक्षा का, और जिसकी वजह से ये तुम लोग उम्मेद सिंह और चांदी लाल से घुसड़ घुसड़ कर रहे हो ना, देख लेना एक दिन यही बातें जगगांव की बर्बादी लेकर आएंगी। जे देखो, बारे बा, कौन बोल रही है? और तुझे कब से फिकर हो गई काम की बर्बादी की? अरे तू तो खुद ही बर्बाद की बर्बाद है, और साथ ही अपनी दादी देवी और दादा राम कुमार की भी जिंदगी बर्बाद करके बैठी है। तू क्या सिखाया है गांव का बुरा भला? हा? पड़ेगी, जल्दी ही सब पता पड़ेगी। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, जे इतने टाइम से जिस साहूकार की कृपा से हम सबके काम चले हैं ना, जब वो ही अपनी मदद रोक लेगा तो तुम दोनों की मदद करने कौन आवेगा? बोलो बोलो, नीला काकी जी, सुमित्रा काकी जी, जब तुम्हारी लुटिया खुद ही डूबी हुई है। चल रे सुमित्रा, इसके मुंह क्या लगना? एक तरफ हमारी शिक्षा और दूसरी तरफ मरीजे और शिक्षा कहीं की। ये जो तुम दोनों ने मुझे अशिक्षा कहा है ना, हाँ तो मैं अशिक्षा ही हूँ। वो अशिक्षा जिस पर कोई भी शिक्षा अपनी छाप ना छोड़ सके है। आई बात समझ में? चल चलो। देख लो जी, मैं कोई तेरी दुश्मन तो हूँ और ना ही तेरा बुरा चाहूँ। बात शिक्षा ने तेरी जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया। बेटी पर क्या अम्मा? देखो अम्मा, मैं तुमसे फिर से वही बात कहूंगी, सुमित्रा काकी और लीला काकी ने अगर चांदीलाल से अपने हिसाब किताब की बात की है ना तो बिल्कुल सही की है। और आगे से हम सब यही करेंगे। देखो उर्मी, ये शिक्षा ने तुझे पाठशाला पढ़ाने की, तेरी आगे की पढ़ाई पूरी करने की जो सीखती है ना, बस तू वही कर। उसमें मुझे कोई शिकायत ना है, पर जे तू गांव वालों के पछड़े में पड़े है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद। मैं तुझे कह दिया तो कह दिया बस। और अम्मा तुम भी सुन लो कि उर्मी, अरे सोचो 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 काकी सोचो, क्योंकि जो ना सोचेगा ना तो जो शिक्षा आई है ना लौट कर,
ये पूरे के पूरे गांव का ना बेड़ा गरक कर देगी। हाँ नहीं तो। हमारी शिक्षा या हमारे संस्कार हमें ये नहीं सिखाते कि हम बड़ों के सामने बहस करें। विमला काकी तुम्हारी माँ, और विमला काकी मैं आपकी सोच और आपके भय को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रही कि हमारे गांव का हर एक घर, हर एक परिवार इन सूदखोरों के चंगुल में फंसा हुआ है, और कभी ना कभी तो हमें आजाद होना ही पड़ेगा ना। और आपको क्या अच्छा लगेगा कि हमारे गांव की आने वाली नई पीढ़ी, या फिर कह लो कि उर्मी का आगे के समय में होने वाला बच्चा इन सूदखोरों के चंगुल में हमेशा के लिए फंसा रहे। बंधुआ मजदूर बनकर काम करे आपको अच्छा लगेगा क्या? ना बेटा, ना मैं ऐसा ना सोच सकूं। पर बेटा, अरे सोचो 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 काकी, सोचो, जरूर सोचो, क्योंकि जो ना सोचेगा ना तो जो जो शिक्षा आई है ना लौट कर, जो पूरे के पूरे गांव का ना बेड़ा गरक कर देगी। हाँ नहीं तो। चुप कर तू, जब देखो तब जली कटी बोलती रहे। चल कुकड़ी कहती, और वैसे भी तो रहा नहीं गया ना, आगे यहाँ पे पीछा करते करते। इमली ये जो कुछ भी बोल रही है बोल तो अपने मन की बात रही है ना, और वैसे भी हमारे देश में हर एक इंसान को अधिकार है कि वो अपने मन की बात बोल सके। तो बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ हाँ है, और इसीलिए तो मैं चार बातें लीला काकी और सुमित्रा काकी दोनों को सुना कर आ रही हूँ। वो जे कि जे शिक्षा की अकल पर चलकर पूरे पूरे गांव का सत्यानाश होकर रहेगा, जो उम्मेद सिंह और चांदी लाल ने हमारी मदद करनी बंद कर दी तो, बस कर सुरीली, बहुत ज्यादा ना बड़बड़ बड़बड़ मत कर। और देखेगी तो तू, जब से हमारे गांव में शिक्षा आई है ना तब से तू लोगों में आज शिक्षा का प्रसाद बांट रही है, अब यही ना एक दिन तुझे अकल का पाठ पढ़ाएगी। अरे बढ़िया ही पाठ पढ़ाने वाली, पहले खुद तो पढ़ ले। एक तो छोड़कर बैठी है घर वाले को, और अब यहाँ हमें पहाड़ा पढ़ा रही है। विमला काकी समझा लो अपनी छोरी को, मुझसे मुंह जोरा जोरी ना करे, नहीं तो अच्छा ना होगा। बड़ी आई शिक्षा की पैरवी करने वाली। हाँ नहीं तो। अरे बताओ तो दी अभी उर्मी, तुम क्यों उसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? हाँ उसे जो कहना है कहने दो, हमें जो काम करना है हम वो कर ही रहेंगे। और तुम एक बात अपने मन में बिठा लो, बदलाव लाने वालों के साथ उनके विरोधी हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और ये जीत होकर
देखो सरपंच जी, कोई कुछ भी कहे, कोई तो जाबाद की खुशी है कि हमारे गांव में शिक्षा सरस्वती का अवतार लेकर के आई, कि गांव वालों में एक नई आशा पैदा है गई। वो बात अलग है कि उम्मीद के तोते उड़ गए जिसके आने से। हाँ सही कहे सुराज सिंह। देखो भैया, ये छोरी सही कहे है कि किसान अपनी दशा खुद ही बदल सके है, और जिसके लिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही साथ छोरा छोरी को फर्क बिठा के अब तो हर किसान को अपने औलाद को पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी में मन लगाने की भी सीख देनी ही चाहिए। राधे राधे सरपंच जी। झेलो, अब ये कौन सी नई कथा लेके आ गए सरपंच जी? अरे मैंने बुलाया उसे। राधे राधे, आओ मेज सिंह बैठो। देखो मेज सिंह, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे छोरे ने भरे बाजार में शिक्षा के साथ जिस तरीके से बात की है वो हमें अच्छी नहीं लगी। सरपंच जी, इस बात के लिए मैंने उसे खूब खरी खोटी सुना और उसने मुझसे माफी भी मांगी, पर सरपंच जी ये जो दूसरी बात है ना, उस पर आप लोग गौर नहीं कर रहे। ये नंद की बेटी शिक्षा, ये जो सारे गांव में मेरे खिलाफ प्रचार कर रही है ना। एक मिनट अम्बेद, जहां तक शिक्षा का सवाल है, वो जो गांव वालों को पढ़ा लिखा रही है वो तो उनके भले के लिए है ना, तेरे खिलाफ तो नहीं। सुराज सिंह जी, आप बुजुर्ग हो हमारे, आजादी के सिपाही होने के नाते पूरा गांव इज्जत करे है आप, इसीलिए हाथ जोड़कर कहूं ये शिक्षा जो करे सो करे, पर जहां तक बात मेरे धंधे की है तो ये बात सरपंच जी भी जुटला ना सके कि जब जब गांव वालों को पैसे की जरूरत पड़ी तब तब मैंने गांव वालों की मदद की। यहां तक कि नंद को उसकी छोरी को पढ़ाई के लिए जितने पैसे मैंने दिए ना, और कोई नहीं दे सकता था। और अब जब पैसा चुकाने की बारी आई तो उसकी वो बेटी शिक्षा बीच में आकर। देखो मैं, मेरी आंखों से कुछ ना छुपा है, मैं सब जानू, और जिस पद पर मैं हूं ना उसके तराजू के पलड़ों में बांट बराबरी के हैं, और कांटा बिल्कुल बीचों बीच। तूने जो रुपए दिए हैं उसके कागज तो तेरे पास होंगे ही, अगर वो सही निकले तो जीत तेरी, और अगर नंद के कागज उस पर भारी पड़े तो फैसला उसके हक में जाएगा। समझ आ गई? सारा कागज बेटा चीख चीख कर कह रहा है कि जितना रुपया आज तक उससे लिया उससे ज्यादा ब्याज के साथ हमने उन्हें लौटा दिया है। बेटा ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि मेरे बाबू को उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी पड़ गई। लो कर लो बात, जे उमेद सिंह तो अब बात करने से भी कतरा रहा है लोगों से। जब से हमारी शिक्षा बिटिया का पलड़ा उसके सामने भारी पड़ा है वो तो मुंह की खा के बैठ गया चुपचाप।
उमेद सिंह चुपचाप बैठा रहेगा। ये सही में ला गया तुझे सुमित्र? अरे वो तो अभी नई जुगाड़ में लगा होगा। और ना ही इतनी आसानी से वो जमीनों का कब्जा वापिस देने वाला है। अरे देगा कैसे ना, अरे उसके तो पुरखों को भी वापिस करनी पड़ेंगी जमीनें। और वो चांदीलाल, वो सबके जेवर लगते खा के बैठा है, उसे भी लौटाने ही पड़ेंगे। कितना तो सूद खा लिया उसने हमसे। और फिर नंद भैया की सीख से भी हमें कुछ सीखना ही चाहिए ना आगे के लिए। हमने तो जे ही सीखा है कि अगर कभी किसी से उधारी लेनी पड़ जाए तो उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब हमें रखना ही चाहिए, जैसे कि उन्होंने रखा। हाँ रखा हिसाब, पर इससे क्या होना है? ऐसा हिसाब तो उर्मी के बापू ने भी रखा, इसके क्या होगा? ये तो सभी लोगों को खबर। बीती ताही बिसार दे, आगे की शुद्धि ले बिमला भाभी। जो पहले ना हुआ वो अब होगा। शिक्षा ने जो हम सभी को रास्ता दिखाया है उस पर चलकर हम सभी का भला होगा, देख लेना। अरे अब और काका बताऊं अपनी शिक्षा के बारे में? बस ये समझ लो उसके जागांव में आने से हम और तुम जैसे सभी लोगों के सपने पूरे होने के दिन पास आ गए। अरे सुमित्रा, जे रेलगाड़ी की तरह सरपट सरपट मत भाग, आराम आराम से बता जो मैं शिक्षा के पास जाकर सुनना सकता। जाओगे जी, आप एक दिन जरूर शिक्षा के पास अपने पांव से चलकर जाओगे, क्योंकि शिक्षा के रूप में जो छोरी हमारे गांव में जगदम्बा की ताकत बनकर आई है, वो छोरी आपको तो क्या इस गांव के सभी लोगों को अपने पांव पर खड़ा करके ही रहेगी, जिनकी ताकत उमेद सिंह ने तोड़ दी। अब उमेद सिंह के दिन पूरे हो गए, क्योंकि लोगों ने उमेद सिंह के सामने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। ऐसे क्या देख रहे हो जी? मैं सच कह रही हूं। हाँ चल तो ना सकूं, मन ही मन अपनी कमजोर आंखों से शिक्षा की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जा तू जल्दी से मुझे कागज और कलम लाके दे, मैं शिक्षक को आशीर्वाद के दो शब्द लिखना चाहूं। लाऊं जी, अभी लाऊं। जे देख बेटा, जे वही बही खाते हैं जो मुनीम के हाथों चढ़ाए, इसी में लेन देन का पूरा ब्यौरा है। जे देख, जे वो कागज है जिसमें आज तक जितना रुपया उससे लिए हैं उसपे मैंने मुनीम के दस्तखत और अंगूठा भी लगवा दिया है। और दिखाता हूं। और जे देख बेटा, मैंने दिन रात मेहनत करके जो उसका पैसा लौटाया है ब्याज के साथ, उसका सब इसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो लोग मुझे बेवकूफ समझे हैं, उम्मीद और उसका बेटा, और अपना आपको बहुत अकलमंद समझे हैं। लेकिन बेटा, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां ना खेली है। सारा कागज बेटा चीख चीख कर कह रहा है कि जितना रुपया आज तक उससे लिया उससे ज्यादा ब्याज के साथ हमने उन्हें लौटा दिया है। बेटा ऐसे क्या देख रही है?
देख रही हूँ कि मेरे बाबू को उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी पड़ गई। अरे ये बेचारे सीधे साधे भोले भाले अनपढ़ गांव वाले, आज तक कभी हिसाब रखे हैं? तो आप रखेंगे। भूल कर रहे हैं सरकार, जे भूल कर कि नंद अनपढ़ है। देख भाई नंद, तराजू में पड़ रहा तो उमेश सिंह का भारी है,